Hello students. Hope you all fine. Okay. Let's start the revision of chapter number four metals and non-metals. Dear students, you are all familiar with the metals because we use most of the things made of metals in our daily life. Okay, so metals type of elements, or actually the substances are or elements are divided into two categories metals and non-metals, based on their physical and chemical properties. ओके okay? यानी कि उनके कुछ फिजिकल अपियरेंस एंड उनकी जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पेस पे हमने डिवाइड किया है ठीक है तो मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं मोस्टली मेटल्स आर हार्ड ठीक है hard, तो हम कहते हैं कि मेटल्स काफी हार्ड सबस्टेंसेज हैं एंड नॉन मेटल्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं ओके सो यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक आयोडीन कार्बन सल्फर फॉस्फोरस दिज ऑल आर नॉन मेटल्स ओके सो फ्रॉम वेयर वी ऑप्टीन फ्रॉम वेयर वी कैन यू नो कि एक्सटैक्ट दॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो एक्चुअली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकर्स इन अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर ठीक है यानी कि यहाँ पे तो अकुरेंस ऑफ मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स भी होते हैं ठीक है तो ये हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं यानी कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में हमारा अर्थ जो है आपके तीन पार्ट में होता है क्रस्ट मेंटल एंड कोर ठीक है तो उसमें क्या होता है मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं ओके और मिनरल्स क्या होते हैं ऐसे एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे अर्थ में होते हैं ठीक है एंड वी कैन एक्स्ट्रैक्ट

डिफरेंट मेटल्स के ओर्स हैं जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके हाउ कैन वी डिफाइन हाउ कैन ये डिस्टिंगविश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है तो हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि एपियरेंस ओके यानी कि दिखने में कैसे होते हैं सो मेटल्स क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स और वी कैन से हाँ मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी बट नॉन मेटल्स आर डल यानी कि मेटल्स uh, क्या होते हैं उनमें लस्चरस अपेयरेंस होते हैं यानी कि वो शाइन करते हैं वो ब्राइट होते हैं लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है शाइनी शाइनी ओके okay. बट वहीं पे हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो आपके डल होते हैं यानी कि उन कोई शाइनी नहीं होता वो चमकदार नहीं होते हैं ठीक है डल डल से होते हैं बट यर इज एन एक्सेप्शन एक्सेप्शन मीन्स कि इसका एक आपका एक्सेप्शन uh, है कि डायमंड इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ वेरी शाइनी इन अप्योरेंस ठीक है बहुत ज़्यादा चमकता है सेकेंड आपकी प्रॉपर्टीज़ है हार्डनेस ठीक है हार्डनेस यानी कि मेटल्स क्या होते हैं काफ़ी हार्ड यानी कि सॉलिड होंगे और नॉन मेटल्स में जो सॉलिड होते हैं बट दे आर सॉफ्ट ठीक है soft, तो आपके देखोगे कि यहाँ पे मेटल्स जो जितने भी कॉपर एलमूनियम आयरन ब्रास है ब्रॉन्स है स्टील ये सारे आपके हार्ड होते हैं ठीक है थीके? मेटल्स क्या होते हैं वो आपके सॉफ्ट होंगे वहीं पे एक और एक्सेप्शन वही डायमंड है कि हार्डेस्ट नॉन मेटल्स प्रेजेंट ऑन मेटल होते हुए भी सबसे हार्ड मटेरियल होता है मैलिएबिलिटीबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल सो मैलिएबिलिटी क्या है इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन विच वी कैन इट कैन बी है हम इसको पीच पीट के इतना पतला कर सकते हैं यानी वो थिन शीट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है बट ये ब्रेक नहीं होगा सो एयर एज एग्जाम्पल एलमोनियम है सिल्वर के भी जो है आपके फॉइल बनाए जाते हैं सिल्वर के तो बहुत ही पतले से फॉइल बनते हैं ठीक है यानी कि ये मेलिएबल है बट नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी डक्टिलिटी में मेटल्स डक्टाइल है वहीं नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल सो यू कैन सी डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट्स कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स यानी कि हम इसको एक थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और जितना लंबा वायर्स चाहें तो बना सकते हैं छोटे से कॉपर के टुकड़े से हम काफ़ी लॉन्ग जो है वायर्स को बना सकते हैं ठीक है एलमुनियम वायर हैं कॉपर हैं एंड बट uh, गोल्ड जो है ठीक है गोल्ड जो है आप सबसे ज़्यादा जो है इसमें डक्टिलिटी होती है क्योंकि uh, आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो गोल्ड है ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हीट कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ठीक है सो मेटल्स क्या होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट वहीं पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेटल्स सारे इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं हीट भी उनके अंदर कंडक्ट होती है ठीक है और वहीं पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एज अ इंसुलेटर काम करते हैं ठीक है थीके? तो जैसे कि रबर है ग्लास है ऑयल ड्राई वुड ये सारे नॉन नॉर्मेटल्स आपके इंसुलेटर का काम करेंगे नॉट टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है तो यहाँ पे मैग्नीशियम इज अ मेटल जब आपका ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है देन इट्स फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर ओके वहीं पे नॉन मेटल सल्फर है आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सल्फर ऑक्साइड यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसके ऑक्साइड बनाते हैं ओके नाउ नेक्स्ट है कि जब आपका रिएक्शन होगा मेटल्स का वाटर से ठीक है तो ये क्या बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम को वाटर से रिएक्ट किया है ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है प्लस यर इज अ रिलीज ऑफ अ गैस हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन भी रिलीज होती है ना नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं सो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है ठीक है तो नॉन मेटल जो होंगे वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते यानी कि ये कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे नेक्स्ट इन द पिक्चर दिस इज द लॉक ओके शोज द कोरोजन ठीक है ये आयरन का uh, जो है लॉक है जिसमें कोरोजन लगा यानी कि ये, uh, भी आपका एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो एयर से कांटेक्ट करके आयरन को क्रोट कर देता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है तो इसमें क्या होते हैं कि मेटल्स में क्या होते हैं कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी दूसरे मेटल से ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं किसी दूसरे मेटल्स को डिसप्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं ठीक है इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिप्लेस बाई एन ओदर रिएक्टेंट यानी किसी सोल्यूशन में कोई दूसरा रिएक्टेंट मौजूद है अगर वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है ठीक है तो मेटल के केस में ये होता है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस

तो यहाँ से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ओके लेट्स टॉक अबाउट ऑफ मेटल्स ठीक है सम ऑफ द ऑफ मेटल्स मेटल्स कुछ metals के यूज हम पढ़ लेते हैं इज द गोल्ड इट इज यूज एज द दर्नामेंट ठीक है तो गोल्ड की बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं सिल्वर भी आपका सबसे शाइनी होता है तो इसको भी ऑर्नामेंट के रूप में यूज किया जाता है ओके नाउ कॉपर है एलमिनियम है इनके वायर्स बनाए जाते हैं ओके okay? एंड आ, जो आपका अलमोनीयम है उसके ऑर्ना उसके यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं यानी कि बर्तन है कंटेनर है बॉक्स है अलमीरा है ये सारे आपके अलमोनीय के बनाए जाते हैं ओके जिंक ओके सो तो जिंक के भी ऑर्नामेंट यानी इसके पाइप हैं छोटे छोटे से यूज़ किए जाते हैं देन आपका आयरन है ठीक है आयरन के नेल्स बनाए जाते हैं आयरन के बहुत सारे हमारे घरों में जैसे गेट है वो हैं रॉड बनाए जाते हैं ठीक है विंडोज़ हैं वो सारी चीज़ें आपके आयरन्स की होती हैं क्योंकि स्ट्रांग होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं मरकरी हियर मरकरी जो है आपका यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर में एंड यू नो मरकरी इज़ अ मेटल दैट इज़ लिक्विड इन स्टेट ठीक है याद रखिएगा मरकरी जो ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड होता है एंड इट इज यूज इन थर्मो ठीक है लेट्स टॉक अबाउट यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स ठीक है तो नॉन मेटल्स में क्या क्या है लाइक like, आयोडीन है ठीक है वो एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है ऑक्सीजन यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग बींगस ठीक है क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन की वजह से हम रिस्पिरेशन करते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ बर्निंग गैस ठीक है तो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है जो बर्निंग का प्रोसेस है कम कंजप्शन जो होता है कम ओके okay. ये आपका ऑक्सीजन की वजह से होता है सल्फर जो है इज यूज फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स ठीक है छोटे छोटे जो, जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनमें सल्फर यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस इज यूज इन मैच industries इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर्स ओके नाउ एन द लास्ट यू कैन सी इट इज द मैप माइंड मैप ओके तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड दॉर्ट फॉर्म दैट इज एमपी एंड बीपी पी इज यूज हेयर इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट बिकॉज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक है यानी कि वो बहुत जल्दी गलते नहीं हैं क्योंकि वो स्ट्रॉग एंड हार्ड होते हैं ओके आई थिंक दैट इज क्लियर